आज यहाँ पे क्लास सिक्स चैप्टर फोर मैथ्स सब्जेक्ट में पार्ट टू वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर फोर का पार्ट टू वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट वन वीडियो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, पार्ट टू उसी वीडियो का पार्ट टू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े थे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, लाइन के बारे में, एंगल के बारे में। तो यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल, ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन। ट्रायंगल जो होता है थ्री साइडेड पॉलीगन होता है। पॉलीगन का मतलब होता है एक क्लोज फिगर जो कि थ्री और मोर साइड से मिलकर बना होता है। मतलब थ्री और मोर साइड से मिलकर एक क्लोज फिगर बनाता है, वो हमारा पॉलीगन होता है। तो ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं। ओके, देखिए, इट हैज थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्सेस एंड थ्री एंगल्स। इसमें थ्री साइड्स होते हैं, देखिए, एक साइड, वन साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड। ये हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, वर्टेक्स, वर्टेक्स नंबर वन, टू, थ्री। यहाँ पे थ्री वर्टेक्स होते हैं। ओके, ये थ्री साइड होते हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं और थ्री एंगल होते हैं। ये एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री। ओके, यहाँ पे वर्टेक्स का मतलब होता है जहाँ जिस पॉइंट पे दो लाइन आकर मैच करती है, दो लाइन आकर मैच करती है, वो वर्टेक्स होता है। यहाँ पे देखिए, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों आकर मैच कर रहा है, ए बी और बी सी यहाँ पे मैच कर रहा है, तो वो वर्टेक्स होता है। एंगल दो लाइन मैच करती है तो उसमें जो बनता है वो एंगल यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो थ्री एंगल्स होते हैं। आगे देखिए, द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180। अब थ्री एंगल को, तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 180 होता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है इंटीरियर पार्ट किसे कहते हैं, एक्सटीरियर पार्ट किसे कहते हैं। ट्रायंगल या किसी भी क्लोज फिगर में जो क्लोज फिगर होता है उसके इंटरनल, उसके अंदर जितने भी पार्ट होते हैं वो इंटरनल कहलाता है। देखिए, ये पूरा का पूरा इंटरनल भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पी पॉइंट दिया गया है, ये पी पॉइंट इंटरनल में है, अंदर की तरफ है, और ये क्यू बाहर की तरफ है, तो हम उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल, एंगल्स कौन कौन बन रहे हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये बी एंगल के बारे में कहा गया है। देखिए, यहाँ पे एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी। ठीक है, इस एंगल के बारे में कहा है, जिस एंगल के बारे में इंडिकेट किया जाता है उसे हम लोग बीच में रखते हैं। इस एंगल को इंडिकेट करना है तो बी सी ए, इसको बीच में हम लोग रखेंगे, मिडिल में रखेंगे। इस एंगल को इंडिकेट करना है तो बी ए सी या सी ए बी, ये तीन एंगल, थ्री एंगल हो गया। और साइड्स को इंडिकेट करना है तो ये वाला साइड को हम लोग देखिए, इस साइड को ए बी पढ़ेंगे, इस साइड को बी सी पढ़ेंगे और इस साइड को ए सी पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे साइड्स के बारे में ये दे दिया गया, ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड। वर्टेक्स, वर्टेक्स यहाँ, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है कि तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 आ रहा है। यहाँ एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी को ऐड करने पर 180 हो रहा है। ठीक है, इस एंगल को, इस एंगल को, इन तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 ही होता है, न 180 से ज़्यादा होता है न कम होता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को देखना होगा, कहीं भी किसी भी ट्रायंगल में अगर थ्री एंगल को ऐड किया जा रहा है तो उन तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 ही आना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए एक यहाँ पे ये फिगर बनाया गया है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं, तो देखिए एक ट्रायंगल ये दिख रहा है पी क्यू एस, एक ट्रायंगल ये बन गया पी क्यू एस, दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल होगा पी एस आर, पी एस आर। देखिए पी एस एक साइड हो गया, एस आर एक साइड हो गया और पी आर एक साइड हो गया, ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया, ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। और तीसरा ट्रायंगल कौन बनेगा, पी क्यू आर, एक बड़ा सा ट्रायंगल जो बन रहा है वो भी एक खुद में ट्रायंगल है। तो इसमें, इस फिगर में कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर पी एस आर, पी एस आर, सॉरी पी क्यू एस,
पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, फिर पी एस आर, पी एस आर ये तीन ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। तो इसमें यही सर्च करना था कि कौन सा ट्रायंगल है। तो ये हमने आगे अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 4.3 हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, अभी हम लोग 4.4 देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, एक ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल ए बी सी बना दिया, एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम लिख दिया ए बी सी। अब बोला था कि पी पॉइंट पी को इंटरनल में आप इंटीरियर में डिनोट करना था, तो पॉइंट पी को हमने ट्रायंगल के अंदर में इंडिकेट कर दिया। कहीं भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे इंटीरियर में अंदर में। और क्यू को बाहर करना था, तो क्यू को मैंने ट्रायंगल के बाहर कहीं भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे, ट्रायंगल के बाहर ही होना चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये बताइए कि ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट है ये ट्रायंगल के इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है। तो इसमें कहना ये है कि ये जो ए पॉइंट है ए बी सी, ये पॉइंट ना तो इंटीरियर में है और ना तो एक्सटीरियर में है, ना तो इंटीरियर में ना एक्सटीरियर में है। ये है पूरे के पूरे वर्टेक्स है, ये ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन है, ए इज नॉट इन इंटीरियर और एक्सटीरियर। ये जो पॉइंट है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर में नहीं है, ये पॉइंट लाइन पे है, मतलब ये वर्टेक्स है। ये हमारा पी इंटीरियर में है और क्यू एक्सटीरियर में है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक बनाया गया है, एक ट्रायंगल ए बी सी बड़ा सा बनाया गया, उसके अंदर एक ए डी रेखा खींची गई है, लाइन खींची गई है। अब इसमें ट्रायंगल तीन बन जा रहे हैं, एक ए बी डी, ए डी सी और ए बी सी। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, आइडेंटिफाई थ्री ट्रायंगल्स इन इट्स दिस फिगर। इसमें तीन फिगर को, तीन ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है। तो पिछले ये वाला अभी जो बताया था इसी कंसेप्ट पर ये भी बताना है। तो ए बी डी एक ट्रायंगल बन गया, ए डी सी एक ट्रायंगल बन गया और ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। बी वाले में देखिए, राइट द नेम ऑफ द सेवन एंगल्स, इसमें सात एंगल का, सेवन एंगल्स का बताना है। तो ध्यान से देखिएगा आप, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दो हो गया, ये तीन हो गया और एक चार हो गया और ये एक इधर भी बन रहा है, पाँच हो गया और एक इधर बन रहा है, छः हो गया। अब छः बन रहा है, हमको सेवन आइडेंटिफाई करना था और एक टोटल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक टोटल वाला हो गया, ठीक है। तो देखिए इस ट्रायंगल का क्या कैसे लिखेंगे, ए बी डी, इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ए बी डी या ए बी सी भी लिख सकते थे। जैसे इसको हमको इंडिकेट करना था, इसको बीच में रखना होगा, ठीक है ना। तो ए बी सी इसको हमने इंडिकेट कर दिया, ए बी सी। अब इसको इंडिकेट करना है तो ए डी बी, ए डी बी। अब देखिए आगे देखते जाइए, ये एक इंडिकेट हो गया, अब दूसरा ए सी बी देख रहा है, ए सी बी एक ये इंडिकेट हो गया, तीसरा बी ए सी, बी ए सी ये बड़ा वाला, बी ए सी ये पूरा का पूरा ये हो गया, फिर बी ए डी, बी ए डी ये छोटा वाला, इस एंगल के बारे में जा रहा है, बी ए डी जिस एंगल को बताया जाता है उसको बीच में रखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार डी ए सी, डी ए सी इस छोटे वाले एंगल के बारे में बताया जा रहा है, ए डी बी, ए डी बी इस एंगल के बारे में बताया जा रहा है, और दूसरा है ए डी सी, ए डी, ए डी बी इस एंगल के बारे में बताया गया था, ए डी बी इस एंगल के बारे में, और ए डी सी ये वाला एंगल है, ठीक है। इसी प्रकार ये सात सेवन एंगल्स हो गए। आगे देखिए, एक ट्रायंगल ए बी सी इसी प्रकार से बना है, यहाँ पे ए डी एक लाइन खींची गई है, इसमें भी ट्रायंगल थ्री ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही वही वाला है, ए बी हम लोग पढ़ चुके थे, सी नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, राइट द नेम्स ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आपको बताने हैं। तो देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ए सी एक लाइन सेगमेंट हो गया, दो हो गया, बी डी एक तीन हो गया, डी सी एक चार हो गया, बी सी एक पाँच हो गया और ए डी एक छः हो गया, छः लाइन सेगमेंट। देखिए विच टू ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, एंगल बी किस दो ट्रायंगल में कॉमन है,
ये हमारा एंगल बी हो गया। तो एंगल बी ए बी डी ट्रायंगल में भी, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, मतलब ये आ रहा है, और ए बी सी वाले ट्रायंगल में भी ये वाला हिस्सा एंगल आ रहा है। तो एंगल ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल बी क्या है, कॉमन है। आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, अभी ट्रायंगल पढ़े हैं और दूसरा क्वाड्रिलेटरल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, दिस इज फोर साइडेड पॉलीगन, या फोर साइडेड पॉलीगन होता है, या फोर साइडेड पॉलीगन होता है। ट्रायंगल हमारा थ्री साइडेड होता है और पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल हमारा फोर साइडेड पॉलीगन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए फोर साइडेड, वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड, वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। इसमें देखिए, इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल ढूंढना हो तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होगा, वन टू थ्री फोर साइड, और ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल होगा, ये वाला पार्ट हमारा ट्रायंगल होगा, ये वाला पार्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर साइड होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, और जिसमें थ्री साइड होता है वो ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें कुछ कंसेप्ट बताए। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, एक दो तीन चार, फोर साइडेड है। इसमें कितने साइड होते हैं, फोर साइड होते हैं। कितने एंगल होते हैं, फोर एंगल होते हैं, एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर। कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्सेस फोर होते हैं, वन वर्टेक्स टू थ्री एंड फोर। आगे देखिए, टू एंगल्स अटैच विथ अ साइड्स इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। देखिए ध्यान से, अब एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है, ये हमारा एडजेसेंट एंगल बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है। ये कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल एक ही साइड से अटैच दो एंगल होना चाहिए, एक ही साइड से अटैच। मान के चलिए ये हमारा साइड लेते हैं, पी आर साइड लेते हैं, पी आर साइड में एक एंगल ये अटैच है और ये एंगल ये अटैच है, मतलब ये पी पी आर से, ये पी आर लाइन से एंगल ये अटैच है, ये अटैच है। अगर आपसे कहा जाए कि पी आर लाइन से, ये पी आर लाइन से ये एंगल अटैच है क्या, तो नहीं, ये एंगल मतलब इसमें नहीं सटा है, पी आर लाइन में नहीं सटा है, ठीक है, या ये एंगल पी आर लाइन में नहीं सटा है, मतलब ये पी आर लाइन से अटैच दो एंगल होना चाहिए। मान के चलिए ये आर एस, आर एस लाइन है, तो आर एस लाइन से कौन कौन एंगल अटैच है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, मतलब एक ही लाइन से अटैच दो एंगल होना चाहिए। जैसे मान के चलिए लाइन से अटैच कौन कौन सा एंगल है, तो ये एक एंगल यहाँ अटैच हो रहा है और एक एंगल यहाँ पे अटैच हो रहा है, ये और ये नहीं हो रहा है इससे अटैच। तो जो एंगल अटैच होता है, एक लाइन से दो एंगल अटैच होता है, वही एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो एडजेसेंट एंगल पी आर होगा या पी क्यू होगा, तो देखिए, या आर एस होगा या आर पी होगा, ओके। आगे डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते, तो दो डायगोनल होते। डायगोनल किसे कहते हैं, ये वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स सामने सामने मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। एक डायगोनल वो बना था, एक डायगोनल ये बना, इस डायगोनल का नाम क्या है, आर क्यू नाम है, इस डायगोनल का नाम क्या है, पी एस, ओके, आर क्यू एंड पी एस। देखिए, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स एंड एंगल, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, इसका देखिए पी क्यू का अपोजिट साइड कौन है, आर एस, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो पी क्यू के अपोजिट, पी क्यू के अपोजिट कौन है, आर एस, या पी आर के अपोजिट कौन है, तो क्यू एस, ओके। अब देखिए अपोजिट साइड तो समझ में आ गया, अपोजिट एंगल समझेंगे, ये आर, आर के अपोजिट एंगल कौन है, क्यू, पी के अपोजिट एंगल कौन है, एस, ये अपोजिट एंगल अपोजिट साइड हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बहुत प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार, फोर साइडेड पॉलीगन, फोर साइडेड पॉलीगन में विभिन्न कई प्रकार के टाइप होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, काइट होता है, ट्रेपेजियम, ये सारे के सारे जितने नाम दिए गए हैं इसमें फोर साइड ही होते हैं, फोर साइड और फोर एंगल और फोर वर्टेक्स ही केवल होते हैं, ओके। एक चीज ये बताना भूल गया, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए ए है,
बी है, सी है, डी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों एंगल को जोड़ने पर कितना होता है, 360 होता है। चारों एंगल को ऐड करने पर 360 होता है। जैसे ट्रायंगल में, ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ने ऐड करने पर 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को ऐड करने पर 360 होता है। ये सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है। ओके, आगे हम लोग 4.5 एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। ड्रा आर एफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ड्रा इट्स डायगोनल, नेम देम इट्स मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाना था पी क्यू आर एस, हमने गलत लिख दिया, मान के चलिए यहाँ पी क्यू आर एस की जगह ए बी सी डी लिख देना है। इसमें आपके किताब में पी क्यू आर एस दिया गया है तो यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा था कि दो डायगोनल लिखिए, तो डायगोनल एक ए, देखिए ये डायगोनल, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन डायगोनल है, तो ये बी सी डायगोनल और एक दूसरा ए डी डायगोनल, ए डी एंड बी सी डायगोनल मीट एट पॉइंट ओ। अब ये किस पॉइंट पे मिल रहा है, दोनों ओ पॉइंट पे मिल रहा है। ये ओ इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में, मतलब अंदर है कि बाहर में है, तो अंदर में है, बाहर ये वाला भाग हो गया, ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था। आगे हम लोग देखते हैं, ड्रा आर ऑफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन, और स्टेट करना है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, के एल एम एन एक हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अब अपोजिट साइड का टू पेयर लिखना है। देखिए एक के एल का अपोजिट एम एन है, के एल का अपोजिट एम एन, के एल एंड एम एन इज अपोजिट साइड, और एक के एम का अपोजिट क्या होगा, एल एन, के एम का अपोजिट एल एम होगा। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, देखिए इसका एंगल एक, इसका अपोजिट कौन होगा, ये होगा, तो एल एम अपोजिट है, के एल और एम अपोजिट है, और इसमें के और एन अपोजिट है, के एंड एन। आगे देखते हैं, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक साइड से अटैच है, देखिए के एम और एम एन एक दूसरे से अटैच है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड हुआ, या के एम और के एल अभी एक दूसरे से अटैच है, तो ये एडजेसेंट साइड हुआ। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है एक साइड से अटैच दो एंगल, और एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक एंगल से अटैच दो साइड, इस एंगल से, देखिए एक एंगल से अटैच दो साइड, इस एंगल से कौन कौन साइड अटैच है, ये साइड अटैच है और ये साइड अटैच है, इस एंगल से कौन कौन साइड अटैच है, ये साइड अटैच है, ये साइड, तो ये दोनों साइड क्या होगा, एडजेसेंट साइड कहलाएगा। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल बताया है, तो के यहाँ पे के हो जाएगा, एम हो जाएगा, या के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। चलिए अगला टॉपिक है सर्कल, अगला टॉपिक है सर्कल, चैप्टर फोर का अगला टॉपिक ट्रायंगल पढ़ने के बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ने पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल के बाद अब हम लोग सर्कल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सर्कल होता है, सर्कल में एक बीचों बीच हमारा सेंटर होता है, बीचों बीच हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ में ओ हमारा क्या है, सेंटर है, ठीक है। इसमें रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन हमारा क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। किसी ट्रायंगल में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट, कितने रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, ये सारा का सारा हमारा क्या है, रेडियस है, मतलब सेंटर से होकर जा रहा है और इसको मिल रहा है, मीट कर रहा है। अब क्या ये हमारा रेडियस है, तो नहीं ये हमारा रेडियस नहीं है, क्योंकि हमारा इससे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। क्या ये हमारा रेडियस है, तो अगर ये मिला रहेगा तो रेडियस है, नहीं तो नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, जब सर्कमफ्रेंस से एक पॉइंट से मिलकर दूसरे सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पर मिलती है और वह लाइन सेंटर से होकर जाती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रेडियस का, सॉरी डायमीटर कहलाता है, क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाई क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ओके। सेंटर समझ में आया, सेंटर बीचों बीच का पार्ट होता है, रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से
सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। तो रेडियस कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। डायमीटर किसे कहते हैं? डायमीटर सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से सरकमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होकर जाती है, वो हमारा क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जाए कि ये देखिए एक पॉइंट से मिलकर दूसरा पॉइंट पर मिल रहा है, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट मिल रहा है, तो क्या यह डायमीटर है? तो नहीं, ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि यह सेंटर से होकर नहीं जा रही है। ठीक है, तो डायमीटर भी इनफाइनाइट होते हैं, डायमीटर भी हम इनफाइनाइट खींच सकते हैं। ओके, रेडियस भी इनफाइनाइट होता है, बहुत सारे होते हैं, और डायमीटर भी इनफाइनाइट होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कॉर्ड के बारे में समझ रहे हैं। अभी हम लोग सेंटर के बारे में, रेडियस के बारे में और डायमीटर के बारे में समझे हैं। इस कॉर्ड क्या होता है? देखिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। जैसे मान के चलिए ए बी एक कॉर्ड है, एक्स ये वाई, ये एक्स वाई भी एक कॉर्ड हुआ, ये हमारा P, ये हमारा Q, ये भी हमारा कॉर्ड हुआ, ये हमारा CD, ये भी हमारा कॉर्ड हुआ, ये सारा का सारा हमारा कॉर्ड ही है। ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमारा कॉर्ड कहलाती है। ठीक है ना, तो देखिए कॉर्ड कितने हो सकते हैं? कॉर्ड भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत छोटा छोटा अगर बनाया जाए, तो इनफाइनाइट कॉर्ड होंगे। ठीक है ना, ये सारे के सारे कॉर्ड है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही कॉर्ड कहलाएगी। क्या ये पॉइंट, ये लाइन कॉर्ड है? तो नहीं, ये लाइन कॉर्ड नहीं है। जब ये लाइन इसको मैच करेगी तभी कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, तो कितने कॉर्ड होती हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड होती हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? ये देखिए, ये छोटा इससे बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है? तो ये हमारा जो डायमीटर होता है वही हमारा सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड हो गया। ठीक है ना, कॉर्ड हमारा इनफाइनाइट कॉर्ड होता है। सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है? डायमीटर ही हमारा सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है, क्योंकि देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, डायमीटर वाला पॉइंट भी सरकमफ्रेंस पर दो जगह मिलता है, तो ये हमारा कॉर्ड ही होगा, लेकिन हम लोग इसको डायमीटर बोलते हैं। तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, तो हम लोग बोलेंगे डायमीटर होता है। ओके, अब देखिए सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा सेक्टर कहलाता है। रेडियस के बीच होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा रेडियस है, ओ ए और ओ बी हमारा रेडियस है। इसके बीच में जितने भी एरिया आएंगे वो हमारा सेक्टर होगा। ये भी हमारा सेक्टर है और ये भी हमारा सेक्टर ही है। ये हमारा स्मॉल सेक्टर है, ये हमारा लार्ज सेक्टर है। ओके, सेक्टर। अब देखिए एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है कॉर्ड। देखिए ये हमारा कॉर्ड है, हमारा ये भी एक कॉर्ड है। कॉर्ड के अंदर जो एरिया आता है वो हमारा सेगमेंट कहलाता है। कॉर्ड ये हमारा, मान के चलिए हमने कॉर्ड खींचा, तो ये इस कॉर्ड के अंदर जितने भी एरिया रहेंगे वो हमारा क्या होगा? सेगमेंट कहलाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से वीडियो करके आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा आप लोग, और देख लीजिएगा बैक करके वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा आर्क किसे कहते हैं? आर्क, तो आर्क का मतलब ये होता है कि मान के चलिए किसी सर्कल में सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट लेते हैं। ये मान के चलिए ये मैंने सेक्टर बनाया। ठीक है, तो ये सेक्टर बनाया, तो सेक्टर बनाने के लिए दो हमको पॉइंट लेना था सर्कमफेरेंस पर। ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया, तो ये एरिया हमारा सेक्टर कहलाएगा। लेकिन ये जो सर्कमफेरेंस का ये जो छोटा सा पार्ट होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ये हमारा आर्क कहलाएगा। जैसे मान के चलिए ये एक्स और ये वाई है, तो ये वाला जो इसके अंदर सर्कमफेरेंस का जो एरिया छोटा सा पार्ट होगा, यही हमारा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे देखिए
एक्सरसाइज 4.6 लास्ट एक्सरसाइज है फोर का। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, इस फिगर से आइडेंटिफाई करना है, इस फिगर से आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल में सेंटर कहाँ है? तो सेंटर हमारा ओ में, बीच में, बीचों बीच होता है, तो ये ओ हमारा सेंटर है, तो ओ लिख दिया। थ्री रेडी लिखना है, थ्री रेडी का मतलब रेडियस होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडी होता है, तो तीन रेडियस लिखना है। रेडियस सर्कल सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस कहलाएगी। तो देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ओ और सी, ओ सी हमारा क्या हो गया? रेडियस हो गया। तीन लिखना था, ओ और ए भी रेडियस हो गया, ओ और बी भी रेडियस हो गया, तो ये हमारा थ्री रेडियस हो गया। डायमीटर लिखना है, डायमीटर, डायमीटर का मतलब सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो कि किससे होकर गुजरे, सेंटर से होकर जाती है, वही हमारा डायमीटर कहलाता है। तो ए सी हमारा क्या हो गया? डायमीटर हो गया। ये देखिए ये सेंटर से होकर गया, ए सी हमारा सेंटर से होकर गया है, जो कि डायमीटर हो गया। ठीक है, कॉर्ड लिखना है, कॉर्ड, 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 तो कॉर्ड का मतलब ये होता है ई डी, ई डी भी हमारा कॉर्ड होगा, ए सी भी हमारा कॉर्ड होगा। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर होती है, तो हम ए सी भी लिख सकते थे, ई डी भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ई डी ही लिखा है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली सर्कमफेरेंस पर कॉर्ड कहलाती है, तो ये हमारा ई डी लाइन क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। टू पॉइंट्स इन इंटीरियर, इंटीरियर में दो पॉइंट लिखना है, इसके अंदर दो पॉइंट लिखना है, तो एक पॉइंट ई हो गया और सॉरी पी हो गया, और दूसरा पॉइंट ओ हो गया जो कि अंदर में है, और बाकी ई पॉइंट लाइन सर्कमफेरेंस पर है, डी भी सर्कमफेरेंस पर है, सी भी सर्कमफेरेंस पर है, ये सारा का सारा सर्कमफेरेंस पर, ना तो बाहर है ना अंदर है, ये ओ और पी हमारा अंदर है और ये क्यू हमारा बाहर है, तो ये हमारा बाहर का पॉइंट ये है। सेक्टर लिखना है, सेक्टर, ये ए ओ भी हमारा सेक्टर हो गया, ए ओ भी हमारा सेक्टर हो गया, सेक्टर के बारे में पिछले पेज में बताया था। सेगमेंट लिखना है, सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब देखिए कॉर्ड के अंदर, कॉर्ड के अंदर जो एरिया होती है वही सेगमेंट कहलाती है, तो ई डी कॉर्ड के अंदर जितनी एरिया है वो हमारा सेगमेंट कहलाएगी। देखिए यहाँ पे सेगमेंट के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे हमने सेगमेंट के बारे में बताया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किसी सर्कल में हर एक डायमीटर कोई, हर एक डायमीटर कॉर्ड होता है? तो हाँ, कॉर्ड हो, ये भी हमारा कॉर्ड होगा। डायमीटर को हम लोग कॉर्ड कह सकते हैं, डायमीटर को हम लोग कॉर्ड कह सकते हैं, यहाँ भी अगर डायमीटर बनाते हैं उसको भी हम लोग कॉर्ड कह सकते हैं। सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर ही तो होती है, अभी बताया था पिछले पेज में, तो हमारा क्या डायमीटर कॉर्ड होता है? तो हाँ यस, कॉर्ड होता है। इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी कॉर्ड डायमीटर होती है? तो ये भी एक कॉर्ड है, यहाँ भी एक कॉर्ड बना सकते हैं, यहाँ भी कॉर्ड बना सकते हैं, ये सारा का सारा क्या डायमीटर होता है? तो नहीं, डायमीटर जो सर्कल से होकर जाएगी कॉर्ड वही डायमीटर होगी, ये सर्कल से होकर नहीं जा रही है तो ये नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा नो होगा। अगला क्वेश्चन, ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क, सेंटर दिखाना है, रेडियस दिखाना है, डायमीटर दिखाना है, सेक्टर दिखाना है। एक सर्कल बनाया हमने, सेंटर दिखा दिया, डायमीटर दिखा दिया, ये सारा का सारा रेडियस दिखा दिया, और ये हमारा सेक्टर, ये हमारा सेक्टर है। ओके, इसमें लिख दी ओ वो हमारा सेंटर है, रेडियस है, ये हमारा सेक्टर है। आगे से ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। दो किसी सर्कल में दो डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये मान के चल एक डायमीटर हो गया और ये दूसरा डायमीटर हो गया, ये दूसरा डायम, तो हाँ ये इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, दो डायमीटर बिना इंटरसेक्ट किए एक दूसरे एक सर्कल में नहीं बन सकता। आगे देखिए, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इंटीरियर, किसी भी सर्कल में सेंटर इंटीरियर में होता है, ये बात सही है, तो ये भी ट्रू है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आप लोग इस चैप्टर को भी कॉपी में कर लीजिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा देता रहता हूँ इसमें भी।
इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पूछ लीजिएगा।